महाराज भांगरमऊ के घोषित बीजेपी प्रत्याशी श्रीकांत कटियार के विरोध में उतर आए सांसद ने फेसबुक पर कई पोस्ट लिखकर प्रत्याशी का खुला विरोध किया है तो कटियार को टिकट मिलने से सिंगर के साम्राज्य का अंत होता दिख रहा। रिपोर्ट देखिए। उपचुनाव की 7 सीटों में से सबकी नजरें टिकी थी उन्नाव की भांगरमऊ सीट पर। इस सीट पर नजरें इस वजह से भी थी क्योंकि ये सीट बीजेपी के कब्जे में थी और बीजेपी एक ही बार इस सीट से जीती थी। वो जीत दिलाई थी कुलदीप सिंह सेंगर ने। उन्नाव की सियासत में कुलदीप सेंगर अजेय थे, अलग अलग क्षेत्रों से विधायक बने थे। इससे पहले 2007 में कुलदीप सेंगर समाजवादी पार्टी के टिकट पर भांगरमऊ से जीते थे और 2017 में बीजेपी के टिकट पर। सेंगर के समर्थक कहते थे कि इलाका कोई भी हो, धमाका तो सेंगर का ही होगा, लेकिन समय का पहिया घूमा और बलात्कार के मामले में सेंगर को उम्र कैद की सजा हो गई, जिसके बाद उनकी विधायकी रद्द हो गई और अब इस सीट पर उपचुनाव हो रहा है। वैसे तो बीजेपी में 38 लोगों ने दावेदारी की थी, लेकिन उन्नाव जिला पंचायत की अध्यक्ष और कुलदीप सेंगर की पत्नी संगीता सेंगर प्रबल दावेदार थी। सूत्रों की माने तो सांसद साक्षी महाराज भी संगीता सेंगर के ही पक्ष में थे, लेकिन बीजेपी ने यहां उन्नाव के पूर्व जिलाध्यक्ष श्रीकांत कटियार को टिकट दिया है। कटियार को टिकट दिए जाने की वजह से सांसद साक्षी महाराज खासे नाराज हैं और फेसबुक पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं। सांसद ने यहां तक लिख दिया कि उनकी सुनी नहीं जा रही और बीजेपी के इस फैसले को साक्षी महाराज ने गलत करार दिया। इधर संगीता सेंगर को टिकट न मिलना सेंगर साम्राज्य के लिए बड़ा झटका है। कुलदीप सेंगर की विधायकी जा चुकी है, संगीता सेंगर का भी दूसरी बार जिला पंचायत अध्यक्ष बन पाना मुश्किल ही है। ऐसे में उन्नाव में कुलदीप सेंगर का एक छत्र राज समाप्त हो गया है। अगर बात करें भांगरमऊ की तो यहां बीजेपी से श्रीकांत कटियार, कांग्रेस से आरती वाजपेयी, सपा से सुरेश कुमार पाल, बीएसपी से महेश पाल प्रत्याशी हैं। सपा से वैसे तो पूर्व विधायक बदलू खान का टिकट होने की अटकलें तेज थी, लेकिन पार्टी ने यहां सुरेश पाल को टिकट देकर चुनाव को रोचक बना दिया है तो साक्षी महाराज के विरोध पर बीजेपी नेता बयान देने से बच रहे हैं। उन्नाव की सियासत में कभी अजेय योद्धा रहे कुलदीप सेंगर की सियासत उन्नाव से अब खत्म हो गई है। सेंगर जेल में बंद है और उपचुनाव में उनकी पत्नी को टिकट नहीं मिला है तो बीजेपी ने जिन श्रीकांत कटियार को टिकट दिया है सांसद साक्षी महाराज ने उस प्रत्याशी का खुलकर विरोध कर दिया है। ऐसे में भांगरमऊ का चुनाव रोचक हो गया है। अनुराज भारती, भारत समाचार, उन्नाव।